विभाग और पुलिस विभाग की ओर से मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज करनाल के नूर महल के सामने एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर घरोंडा विधायक हरविंदर कल्याण ने विशेष तौर पर शिरकत की। उन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही उन्होंने मैराथन में भाग लेने वालों का उत्साहवर्धन भी किया। इससे पूर्व एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। उन्होंने पुलिस विभाग व परिवहन विभाग द्वारा मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह की प्रशंसा करते हुए कहा कि पहले सड़क सुरक्षा सप्ताह एक हफ्ते के लिए मनाया जाता था, अब एक माह के लिए यह मनाया जा रहा है। उन्होंने करनाल की अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुड्डा की इस कार्यक्रम को लेकर प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि हमारा खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। उन्होंने बच्चों को हेलमेट व सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बच्चे अपने माता पिता को भी यातायात नियमों से जागरूक करवाएं, जिससे बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इस अवसर पर परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर जोगिंदर ढुल, सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार सहित रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता के साथ स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। ये बच्चे जो इस समय मेरे सामने बैठे हैं, तो सबसे पहले तो माननीय विधायक जी का बहुत बहुत हम स्वागत भी करते हैं। बहुत ही व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए आज उन्होंने हमें समय दिया। हमारा आज का इवेंट सर, मैं डिटेल आपको बताऊं तो ये एक वॉकेथॉन है सर। ये बच्चे जो है तेज चलने वाली रेस इनकी जैसे पूरी होगी तो उसके लिए हमने प्राइजेस रखे हैं। और ये जो सड़क सुरक्षा माह हम मना रहे हैं सर, हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, इस बार चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से सड़क सुरक्षा का महत्व क्या है, कितनी सारी बहुमूल्य जिंदगियां हम इन सड़कों पर खो देते हैं सिर्फ थोड़ी सी लापरवाही से, तो इस बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच पाए सर, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैला सके, तो इसलिए इस बार ये सड़क सुरक्षा सप्ताह को सड़क सुरक्षा माह में तब्दील कर दिया गया है, जो कि 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक रोज कोई ना कोई हम कोशिश कर रहे हैं ऐसा प्रोग्राम करने की, जिससे हम लोगों से वन टू वन रूबरू भी हो सके, कॉन्टेक्ट कर सके, उन्हें एजुकेट कर सके। एजुकेट शब्द तो मैं नहीं कहूंगी सर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सभी को पता है सड़क सुरक्षा के नियम क्या है, सिर्फ यही कि हम शायद उन्हें भूल जाते हैं, यह इतना महत्वपूर्ण उन्हें नहीं समझते कि हमें उनको मानना चाहिए, सड़क पर उनकी पालना करनी चाहिए। नतीजा यही होता है कि हमारे बहुत सारे युवा बच्चे और हमारे बहुत सारे नागरिक हमारे देश के रोड सड़कों पर अपना जीवन गंवा रहे हैं दुर्घटनाओं में, जो कि उनकी अपनी लापरवाही से हो सकती है या किसी दूसरे की लापरवाही से हो सकती है। और जीवन का मूल्य क्या है ये बताने के लिए जो है मेरे ख्याल में कोई शब्द नहीं है। हर सांस जो हम ले रहे हैं वो कितनी मूल्यवान है, और हम में से हर एक इस समाज का अभिन्न अंग है। हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, खास तौर से हमारे युवा बच्चे सर आज सामने इनफैक्ट वही बैठे हैं, उनके लिए ये सबसे आवश्यक है, क्योंकि ये राष्ट्र की धरोहर है। इनका जीवन इनके अपने लिए ही कीमती नहीं है, ये इनके परिवार के लिए, समाज के लिए और ऑफ कोर्स पूरे राष्ट्र के लिए कितना बहुमूल्य है, कितना जरूरी है, मेरे ख्याल में तो शब्द कम पड़ जाएंगे उस चीज का एहसास दिलाने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि हमारे ये बच्चे उस चीज को न सिर्फ खुद समझे, बल्कि जाकर अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने सभी प्रियजनों में ये संदेश फैलाएं। ये लगभग 17 फरवरी तक जो आयोजन रहने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा वास्तव में एक बहुत ही अच्छी मुहिम, और जिस तरीके से एक पहले सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, अभी ये सड़क सुरक्षा माह, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम, इस तरीके के जो अभियान है, ये कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक जागरूकता भी आती है, और जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का यहाँ पर पार्टिसिपेशन है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी वो जिम्मेवारी का एक एहसास हो कि सुरक्षा नियमों का हमें पालन करना चाहिए, और वो हमारे ना केवल हमारे जीवन, हमारी सुरक्षा से संबंधित है, बल्कि एक पूरे परिवार की
की सुरक्षा की बात है, समाज की सुरक्षा की बात है, राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, क्योंकि हर बच्चा बड़ा होकर एक जिम्मेवार नागरिक बने और जिम्मेवारी के साथ अपनी जिम्मेवारियों को जीवन में निभाते हुए समाज और राष्ट्र की तरक्की के में अपना योगदान दे। तो मैं समझता हूँ कि जो ये हादसे, जो सड़क के हादसे होते हैं, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि एक हादसा जब होता है तो चाहे उसमें किसी को इंजरी हो, चोट लगे या जीवन भी कई हादसों में जाता है, तो पूरा परिवार उसमें सफ़र करता है, पूरा परिवार उसमें जो है वो भुगतता है और साथ साथ समाज भी का भी बहुत बड़ी क्षति होती है। सरकार इस विषय पर बहुत गंभीर है, चाहे मैं प्रदेश सरकार की बात करूं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी समय समय पर इस विषय को काफ़ी गंभीरता से आगे बढ़ाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, वो सभी इन विषयों के प्रति बहुत गंभीर हैं और जिस तरीके से नियमों की पालना के लिए पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस तंत्र जिस तरीके से सभी कार्य करते हैं, मैं समझता हूं कि समाज को इसमें पूरे तरीके से सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये समाज की सुरक्षा रक्षा के लिए ही है और हम इनको नियम ना समझते हुए हम इनको संस्कार के तरीके से अपने जीवन में उतारें, जिस तरीके से हम एक अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर जब डालते हैं ताकि वो एक अच्छे इंसान बने, तो ये भी एक जिम्मेवारी का एक संस्कार है कि किस तरीके से बच्चों को जिम्मेवारी, उनके अंदर वो भाव हो और वो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा उसका ध्यान रखें। पहले एक सप्ताह मनाया जाता था, अब की बार माह मनाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दोनों बातें हैं, जहाँ सरकार इस विषय पर बहुत गंभीर है, वहीं एक जो जागरूकता है वो और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर विषय है और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल है जो इसको पूरे एक महीने के लिए इसको चलाया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.